हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 5 के टॉपिक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए काम करने वाली नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें WHO, रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनिसेफ तीनों आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे WHO के बारे में। WHO, जिसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, इंडिया 1948 से WHO का सदस्य रहा हुआ है और उसे हमेशा यहाँ से या इस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिलती रही है। WHO 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा में इसका मुख्यालय के साथ इसे अस्तित्व में लाया गया था या स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका उपयोग राष्ट्रीय अधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य आवश्यकताओं में लोगों को रुचि रखने तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में उनके सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। WHO का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्वास्थ्य के उत्तम स्तर की प्राप्ति करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ताकि देश के एवं राष्ट्र के सभी लोग स्वस्थ रहें, विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें। कई देश WHO के सदस्य हैं, वहीं से उन्हें हेल्प मिलती है और गाइडेंस मिलता है। WHO के कई सारे मुख्य कार्य हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। WHO सदस्य देशों के स्वास्थ्य मानक के संवर्धन के लिए सहायता देता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह स्वास्थ्य संबंधी उपचारात्मक और निवारक तकनीकी ज्ञान को प्रस्तुत करता है और किसी विशेष बीमारी के कुल उन्मूलन के लिए योजना तैयार करने में मदद करता है। अर्थात ये प्रोग्राम्स बनाता है कि किस तरीके से किसी फैली हुई बीमारी को इरेडिकेट करना है, समाप्त करना है। महामारी के उन्मूलन के लिए महामारी विज्ञान संबंधी जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए एक केंद्रीय घर के रूप में सेवा करना, मीन्स सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करता है यह, और अधिकारियों को किसी भी प्रकार की बीमारी के विस्फोट के बारे में सचेत करना, ताकि अग्रिम में आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सके। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं COVID-19 सिचुएशन में WHO बार बार अपने रिसर्चेस शो कर रहा है, बार बार सभी जो कंट्रीज हैं उनको आगाह कर रहा है कि उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए हर बार WHO अपनी गाइडलाइंस देता है, प्रेजेंट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों से परे बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करना, जैसे कि पीला बुखार, हैजा, मलेरिया, खसरा, इन सभी के नियंत्रण को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले महामारी रूप के संक्रामक रोग एवं बीमारियां है। इसलिए WHO द्वारा निर्धारित प्रमुख लक्ष्य हैं जिनके लिए टीकाकरण और लक्ष्यों के कई कार्यक्रमों को चौबंद किया गया है। अर्थात कई सारे प्रोग्राम्स या लक्ष्य से निर्धारित किए गए हैं जो WHO के मेन गोल्स हैं, इन्हें ख़त्म करना। कुछ देश टीकाकरण के माध्यम से 90% तक जो मीजल्स हैं उसको इरेडिकेट करने में सफल रहे हैं। हमारा इंडिया है जिसे पोलियो को इरेडिकेट करने में सफल रहा है। WHO शोध चिकित्सा सहायता सुविधाओं, संसाधनों, तकनीकी ज्ञान को प्रोत्साहित करता है, इन्हें संचालित करता है और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अपने स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड करता है कि किस ग्राफ से कोई बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या किस ग्राफ से या किस रेट से वो बीमारी कम हो रही है, इस प्रकार। और इसी के साथ साथ अपनी चिकित्सकीय सहायताएँ देना, बहुत सारे रिसर्चेस कंडक्ट करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और बहुत से रिसोर्सेज देना, ताकि लोग इन बीमारियों से बच सकें। WHO कैंसर, एड्स, हार्ट प्रॉब्लम और जो मानसिक विकार होते हैं, इस प्रकार के प्रमुख रोगों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा, उपचार और निवारक के तरीके और तकनीकी के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। दवाओं, टीकों, जैविक तैयारियों,
रोग की नैदानिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण करता है, अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन करता है कि जो दवाई किसी प्रोसीजर से बनाई गई है या टीके या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया है, क्या यह उस पर्टिकुलर रोग को मिटाने में सक्षम है, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन WHO के द्वारा किया जाता है। यह हर सदस्य देश में उचित समय और तापमान पर दवाओं एवं टीकों की आपूर्ति करता है, अर्थात यह सभी देशों को बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर का ऑप्टिमम टाइम पर जो दवाइयाँ और टीके होती हैं उनको इन्हें प्रदान करता है, ताकि 80% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। और इसके प्रशिक्षण के लिए भी यह कई सारे प्रोग्राम्स को आयोजित करता है और टीकाकरण की व्यवस्था करता है। WHO के द्वारा जो उनके तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा उचित प्रकार से, सही प्रकार से खोज कर लेने के पश्चात शोध पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, जिसमें पूरे जो गत समय है उस पर, जैसे कि 1 महीना या 1 साल के अंदर क्या क्या बीमारियां आई है, उनको किस तरीके से हटाया गया है या समाप्त किया गया है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई है, या किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, क्या हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस की जाती है और उनके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं और कुछ मैगजीन्स भी प्रकाशित की जाती है, जो WHO अपने जो प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं उनके द्वारा ये कार्य करवाता है। स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में नए विभागों को खोलना, उनको उपकरण प्रदान करना या दान करना, तथा शिक्षा के कार्य में सुधार लाने के लिए दुनिया भर में प्रोफेसर्स को भेजना, यह भी कार्य करने में WHO मदद करता है। उपकरण, अनुसंधान और उन्नत अध्ययन के लिए उपकरण प्रदान करना, तकनीकी मार्गदर्शन देना, वाहन तथा अन्य संसाधन प्रदान करता है। इस प्रकार से WHO के कई मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जिनको वह परफॉर्म करता है और हर देश की, अर्थात संपूर्ण कंट्री की मदद करता है। WHO के जो सदस्य प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक वर्ष साल में एक बार वे जेनेवा में सभी सभा या विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी लोग मिलते हैं, वहाँ पर आने वाले समय के लिए या अगले वर्षों के कार्यक्रमों के लिए और उन पर बजट का निर्णय करते हैं और साथ ही कुछ नीतियां भी तैयार करते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है या इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस पर क्या किया जाना चाहिए, उसे खत्म करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए, तो इस पर भी ये लोग डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।